हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी कैसे हो? तो हमें एक न्यू ब्लॉग में आ चुके, एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू बातों के साथ। तो आप बने रहें गाइस। आज थोड़ा धूप था तो हमने टोपी पहन लिया, बाकी बात ट्रैफिक तो आई है पीछे। तो गाइस अभी कुछ ऐसा हो चुका था, मैं जा रहा था ठीक है, सामने से एक ऑटो वाला मतलब उल्टा साइड ऑटो को घुमा रहा था, तो उसने पीछे ध्यान नहीं दिया ठीक है, जिसके कारण मेरा आगे का जो चक्का है वो थोड़ा सा उसके ऑटो के नीचे दब गया। उसको आवाज़ दिया, उसके बाद उसने पीछे देखा तो उसने गाड़ी को आगे लिया। मतलब इतना लापरवाही करते हैं, पीछे नहीं देखते और मतलब कहीं से भी मोड़ने लगते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, यही लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद मतलब अगर देखा जाए तो इस महीने के लास्ट में हमारे एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही खास त्यौहार है जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, तो वो बहुत नज़दीक आ चुका है ठीक है। तो होने वाला है, मतलब आने वाला है रक्षाबंधन हमारा। तो मार्केट में देखा कि काफ़ी भीड़ रह रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी बहुत मुश्किल से आया, बिकॉज गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी आगे पीछे दाएं बाएं। गाइस एक बात और बता दूं मैं रात को ना, इधर एक हमारा ग्राउंड है रामलीला ग्राउंड ठीक है, वहाँ पे हमारा अक्सर मेला लगता है, हर साल ही लगता है। तो मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा कि ग्राउंड के अंदर मैंने झांका तो देखा मेले की तैयारी हो रही है, मतलब तारामाची, भूत बंगला, बहुत कुछ लगे हुए थे, गोरिल्ला बड़ा वाला था, बहुत बड़ा गोरिल्ला ठीक है। मैं रात को आपको दिखाऊंगा, अभी तो खैर उधर से नहीं गुजरूंगा, बट मैं रात में उधर से गुजरूंगा ना तो थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा आपको वहाँ पे जाके। तो आप वीडियो पे बने रहना, बाकी बात लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस अवसर पर मेला मतलब किया जा रहा है। मतलब एक होता है कि दशहरा पूजा आता है तो उस टाइम मेला होता है, और भी कोई फेस्टिवल है जिसके कारण मेला लगाया जाता है, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये मेला लगाया जा रहा है तो क्यों लगाया जा रहा है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है। तो हम ये भी पता करेंगे जाके वहाँ पे। यार 15 दिन के गैस ना मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, मैंने पूरा प्रिपरेशन कर रखा था अगले दिन 15 अगस्त के लिए, बट यार ऐसा हो गया कि मैं सोया रह गया, 10 बजे नींद खुली मेरी, बड़ा अफसोस होता बहुत ज़्यादा। मैंने सारा प्रिपरेशन करके रखा था कि मुझे कल 15 अगस्त को झंडा फहराना है यार, बट ऐसा नहीं हो पाया, सोए रह गया 10 बजे तक। तो काफ़ी अफसोस की बात है यार कि इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इन्वॉल्व नहीं हो पाया इसमें। यार गर्मी भी बहुत लग रही है, मेरे पसीने से मेरा शर्ट भीग गया पूरी तरह से, शर्ट ही भीगा है बस, बाकी अगर अच्छा हुआ कि मैंने टोपी पहन के आ गया, वरना पता ही क्या होता। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही था, बाकी बात रात में मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ सीधे रामलीला ग्राउंड जहाँ पे मेले की तैयारी चल रही है। यार नींद भी आ रहा बहुत तेज का। तो गाइस कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 16 अगस्त की बात कर रहा हूँ, 16 अगस्त के दिन तकरीबन रात में मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रहा था। तो 16 अगस्त मतलब उस दिन था, और 15 अगस्त के बारे में पूछ रहा था मैं उससे कि 15 अगस्त में क्या क्या हुआ था, तुमने क्या की थी ठीक है, तो थोड़ा बहुत पूछ रहा था उसके बारे में, 15 अगस्त के बारे में। तो जो भी कुछ उसने किया उस दिन वो सारे बात मुझे बताई, और एक चीज़ उसने बोली थी जो कि मुझे अभी भी याद है, और वो लाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाथ में बांधने वाला पट्टी नहीं होता झंडे वाला, तो उसने पिछले साल का मतलब संभाल के रखी थी ठीक है, और इस बार उसने दोबारा उसी को यूज किया। पिछले बार जब ली थी तो उसने रख दिया था अच्छे से बक्से में, और जब इस बार जब ज़रूरत पड़ा तो उसने बक्से से निकाल के उस चीज़ को यूज किया। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा ठीक है। अक्सर खासकर बच्चे लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते इस चीज़ को, उससे हर फेस्टिवल में हर एक त्यौहार में सब कुछ नया चाहिए ठीक है, लेकिन उसने पिछले साल का ही यूज किया, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा यार, सही बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा जो है सेकेंड रूट पड़ता है आने जाने का, वैसे मेरा फर्स्ट रूट मेरा राइट साइड में है जो कि उल्टे हाथ में पड़ता है, मैं उधर से अक्सर आया जाया करता हूँ, बट ये मेरा सेकंड रूट है। मेरा मेन मकसद था आपको ये रामलीला ग्राउंड का मेला दिखाने का, तो सो मैं इधर से आ गया, वरना मैं उधर से जाता। तो मैं जैसे रूट अपना काटा इधर के लिए, तो वैसे पीछे से 3 दोस्त आ गए थे ठीक है, तो वो मुझे बुला रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं गया नहीं। गैस एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ रास्ते में, मतलब इस टाइम भी बताओ अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और लोग मतलब लेडीज़ लोग मेहंदी लगवा रही है अभी भी, पता नहीं किस अवसर पर मेहंदी लगवाती है, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ 4-5 दिन से लोग मेहंदी पे मेहंदी लगवाई जा रही है, खासकर लड़कियाँ लोग, लड़की लेडीज़ अभी भी देखा मैं रोड की साइड में, लड़कियाँ 2-4 बैठ के इतना लगवा रही थी, तो आई डोंट नो पता नहीं क्या है वो ठीक है। तो हम ऐसे बात करते करते आ गए हैं, तो गाइस हम अभी अंदर जाएंगे क्योंकि बाहर आ चुके हैं, मतलब बाहर में है ये,
मतलब बाहर में है तो हम अंदर जाके देखेंगे। अरे यार ये तो गेट लग गया, कल तक तो खुला हुआ था, आज बताओ गेट लग गया यार, हम अंदर कैसे जाएंगे? ये देख सकते हो आप, तू दिखा देता हूँ बाहर से थोड़ा बहुत, मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा बट देखता हूँ क्या होता है। ये तारा माची आपको दिख रहा होगा, ये है तारा माची, वहाँ के बाद बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं आप ये देख सकते हो, और आगे भी ब्रेक डांस भी है, मैंने एक दफ़ा देखा था ब्रेक डांस भी है। और ये साइड में जो इतने सारे आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे बट जगह बहुत ज़्यादा स्पेस इधर दोनों साइड बचा हुआ है, तो ये है पार्किंग के लिए, तो काफ़ी सारी दुकानें अंदर बनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा दुकानें बनी हैं। अंकल मौत कुआं भी है क्या? अच्छा क्या क्या है वैसे? भूत बंगला है और ये डायनासोर पार्क है, और क्या क्या है? हंसी घर बाकी बात दुकानें हैं। ये बड़े बड़े जो पंडाल बने पड़े हैं इसमें ही वो होंगे, इसमें तो डायनासोर पार्क है, और आगे वाला कौन सा है? शॉपिंग वाला, ये बड़ा वाला। अच्छा उधर पुपला जाओ, और वो एक ब्रेक डांस तारा माची, इसके अलावा और कुछ झूला वूला है? बड़ा झूला भी है और ब्रेक डांस, हाँ ये तो तारा माची नाव भी है, ड्रैगन है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? आज से हो गया। अच्छा कल देखा तो तैयारी चल रहा था, हाँ कल आया था एक दफ़ा, तैयारी चल रहा था। चलो ठीक, तो कैसे हम अंदर आ चुके थे बट ज़्यादा अंदर नहीं गया, गेट पे ही था बिकॉज सारा माहौल शांत लग रहा था दिखने में, टोटल सारे लोग सो गए थे जितने चालक लोग हैं ना, परिचालक जिसे बोलते हैं, यहाँ पे जितने सामान जो भी सेल वगैरह करना है फिर चलाना उसको हम परिचालक बोलते, तो वो सारे मैंने देखा सब सोए हुए थे। ठीक है तो मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया है कि क्या क्या सब वहाँ पे है, वैसे कंफर्म पता नहीं था तो मैंने पूछ लिया, भूत बंगला है, हंसी घर है, और क्या क्या बताया था, डायनासोर पार्क और बाकी बात है, शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए, बहुत सारे स्टोर बने पड़े हैं। तो प्रॉपर तरीके से जब स्टार्ट हो जाएगा तो दो या तीन दिन के बाद मैं ज़रूर घूमने आऊँगा, अभी तो उतना फ्री नहीं हूँ जो कि मैं इधर घूमने आ पाऊँ, मेला घूमने, समझ रहे हो, तो दो तीन दिन के बाद देखेंगे और आएंगे इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। तो गाइस अब तक के लिए यहीं तक रहा, बाकी बात मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।